आपको राजयोग भी वही सिखाया, आप चुपचाप बैठो, आपका मन बुद्धि चलेंगी, आपके संस्कार के अनुसार चलेंगी। अगर आप मन बुद्धि को अपने संस्कार के अनुसार नहीं चलाना चाहते हो, ज्ञान के अनुसार चलाओ। ब्रह्मा कुमारी में आश्रम में यही एक राजयोग है, अपने मन बुद्धि अपने शक्ति को ज्ञान के आधार से चलाओ। नहीं चलाएंगे तो उसके अंदर संसार के इधर उधर के विचार आएंगे जरूर, नहीं आएंगे से नहीं, वो चलेंगे जरूर। समझ में आएगा, जैसे रस्ते पर घोड़ा चलेगा, अगर उसका आप लगाम नहीं पकड़ो वो जहां अच्छा लगा उधर जाएगा, आपको जहां जहां वहां लेके नहीं जाएगा वो। तो आपको उसको दिशा देनी चाहिए, मन घोड़ा है। इस मन को बार बार कहना ये नहीं सोचो ये सोचो। तो इसके लिए आपको कलकत्ता एक मुरली के पॉइंट जेब में रखो, बार बार मुरली उसको दिशा दे दो, ये सोचो ये सोचो, नहीं तो याद ही नहीं तो क्या सोचेंगे। तो मुरली का पॉइंट अगर आदत डालना थोड़ा दिन, सदा दिन नहीं, आदत बन जाएगी। खाली होती आज बाबा ने ये कहा, घर में खाना बनाते हो, कपड़े देते हो, सब्जी काटते हो, झाड़ू लगाते हो, घर में है तो अच्छा बाबा की मुरली सुनते रहो। आजकल मोबाइल में टेप रिकॉर्ड के अंदर भी आता है, अच्छे अच्छे गीत सुनते रहो, पीस ऑफ माइंड, मन में अच्छी फतेह आती रहे। नहीं तो खाली मन शैतान का काम करता है। तब आप कहते हो मन में गलत विचार आने का कारण अंदर भरा हुआ है। तो मन में गलत विचार आते हैं, मन अशांत है, अशांत मन है, वाणी कैसे होंगी शांति के होंगी। जैसा मन वही बोलता है मुख के द्वारा, कर्म कैसे होगा अच्छे होंगे। नमक खाना बनाते बने नमक तला नहीं, क्यों? मन में तूफान चल रहा है, गलत विचार चल रहा है, खाने में ध्यान नहीं है, घर में झाड़ू लगाया आधा लगाया आधा किचड़ा से ही पड़ा है, क्यों? मन में गलत चल रहा है। तब कहा मन जीत जगत जीत का, मन जीतने की विधि बताया कल, मुरली सुनते रहो, अच्छे गीत रखो, अच्छे गीत बाबा के अच्छे अच्छे गीत सुनते रहो, कोई क्लास आता है क्लास सुनते रहो, है ना। घर में अकेले सारा दिन रहते हो, कपड़े धो रहे हो, स्नान कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, खाना बना रहे हो, मन को अच्छा खाना दे दो, जैसा मन वैसी वाणी वैसे कर्म, घर में अपने आप शांति होगी अपने आप। नहीं तो आप ये अगर नहीं करो, आप कहूंगा हमारे मन में गलत विचार न आवे, मुख से गलत शब्द न निकले, संभव है इस कलयुग में गुस्सा न आवे, ऐसा संभव है?